नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। धरती से आप कई बार आकाश में उड़ते हुए प्लेन को देखे होंगे या फिर फिल्मों के जरिए भी प्लेन के अंदर का दृश्य आप जरूर देखे होंगे, तब जब आप प्लेन से अभी तक यात्रा नहीं किए हैं। और अगर यात्रा कर चुके हैं तो प्लेन के अंदर का दृश्य आपके पास मालूम चल गया होगा। तो चलिए, इस वीडियो में लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्लेन के अंदर जो यात्री सवार होते हैं यानी कि फ्लाइट से जो सफ़र तय करते हैं, वो अपने आप को सेफ्टी वहाँ पर रखने के लिए कैसे जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप फिल्मों के जरिए देखे भी होंगे कि जो नए यात्री वहाँ पर जाते हैं उनके लिए थोड़ा उस सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि आखिर सीट पे लगे हुए बेल्ट को कैसे जो है यूज करना है। तो लाइव आज प्लेन के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या वो सीट बेल्ट का यूज वहाँ पे करना ज़रूरी होता है, और अगर ज़रूरी होता है तो फिर उस सीट बेल्ट का इस्तेमाल कैसे जो है यात्री करते हैं, कैसे सीट पे यात्री बैठते हैं और बैठने के बाद अपने आप को कैसे वो सेफ्टी सीट बेल्ट के द्वारा रखते हैं, वो लाइव आज इस वीडियो में प्लेन के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि क्या उस सीट बेल्ट का ज़रूरी वहाँ पर होता है। तो सीट बेल्ट का ज़रूरी जिस समय प्लेन उड़ान भरती है उस समय उतना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन प्लेन का लैंडिंग करते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। रीजन यह है कि जब प्लेन उड़ती है तो उस समय यात्री को उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन जिस समय प्लेन लैंड करती है उस समय जोरदार वहां पे झटका लगता है। तो वहां पे सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना हर यात्री के लिए बड़ा ही वहां पे जरूरी हो जाता है। इसलिए प्लेन के अंदर साफ साफ सख्त निर्देश होता है कि हर यात्री जो सीट पे वहां पे बैठे हुए होते हैं उनको सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ही होता है, चाहे भले ही प्लेन जिस समय उड़ान भर रही हो या फिर प्लेन जिस समय लैंडिंग करने का समय हो। हाँ, जिस समय प्लेन बादलों के ऊपर से उड़ता है या फिर आकाश में जिस समय उड़ते रहता है उस समय यात्री अपने सुविधा अनुसार उस सीट बेल्ट को वहां पे खोल सकते हैं, वहां पे चाहे तो उस सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन खास दो समय पे, जिस समय प्लेन उड़ता है उस समय पे और जिस समय प्लेन लैंड करता है, ये दोनों समय पे सख्त निर्देश होता है कि यात्री को सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ही होता है। तो चलिए प्लेन के अंदर आपको लेकर चलते हैं और वहां पे लाइव आपको दिखाते हैं कि यात्री कैसे जो है उस सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो स्क्रीन पे आप नज़ारा देख रहे हैं ये हम प्लेन के अंदर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे प्लेन के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि यात्री जब यहाँ पे सवार होते हैं, सीट पे बैठते हैं, तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो लाइव इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल जिस तरीके से आप कार के अंदर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना होता है। चूँकि काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्लेन के अंदर सवार नहीं हुए होते हैं, उनके लिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है। तो अभी हम आपको प्लेन के अंदर दिखा रहे हैं और ये प्लेन जो है बादलों के ऊपर से होकर गुजर रही है, यानी कि यहाँ पर उड़ रहा है। आप लाइव यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, स्पाइस जेट का प्लेन है। यहाँ पर देखिए सीट हम आपको दिखा रहे हैं और सीट पर आप गौर करेंगे तो ये देखिए सीट बेल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इस सीट बेल्ट का इस्तेमाल जो है पब्लिक जो भी यात्री यहाँ पे सवार होते हैं वो अपने बॉडी के फिटिंग के अनुसार जो है अपने कमर में यहाँ पे फिटिंग करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे इस सीट बेल्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जब यात्री जो है इस सीट पर बैठेंगे तो ये देख सकते हैं नॉर्मल कुछ करना नहीं होता है, ये जो हुक है ये दोनों हुक आपको फंसाना होता है, बिल्कुल आसान होता है। ये दोनों जो है दो तरीके से हुक है, सिर्फ अपने कमर को जो है चारों तरफ से इस बेल्ट से कवर कर देना है और बाकी इस हुक को फंसा देना है, और अपने जो बॉडी का फिटिंग है उसके अनुसार आप इसके बेल्ट को जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखिए हम अपने कमर में यहाँ पे फिट करते हैं तो ये देख सकते हैं एक तरफ से आपको जितना छोटा या बड़ा करना है उतना आप इस बेल्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं उस तरीके से। और ये जो दो हुक हम आपको दिखाएं, नॉर्मली इस हुक को जो है एक दूसरे में फिक्स कर देना है, प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक जो है ये फिक्स हो जाता है। देखिए यहाँ पे लग चुका है कमर में, अब चूंकि ये लूज है तो इसको हम क्या कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। तो आप अपने बॉडी के फिटिंग के अनुसार जो है इस बेल्ट को आप टाइट कर दीजिए और उसके बाद देखिए ये फिक्स हो चुका है और इस तरीके से बड़े ही आसानी से कमर में जो है अच्छे तरीके से जो सीट बेल्ट है वो फिट हो चुका है। तो इसी तरीके से प्लेन के अंदर जो भी यात्री सवार होते हैं, हालांकि जब प्लेन जो है बादलों के ऊपर से होकर गुजरता है तो उस समय काफ़ी सारे यात्री जो है अपने कमर से बेल्ट को खोल देते हैं, लेकिन खास करके तब जब प्लेन का जो है लैंडिंग का समय होता है या फिर जिस समय उड़ान भरता है उस समय यात्री लगभग जितने यात्री होते हैं वो अपने कमर में सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो अभी आप लाइव इस वीडियो में देखें कि जब कोई भी यात्री प्लेन से यात्रा तय करते हैं तो उस समय कैसे अपने आप को वो सुरक्षित रखने के लिए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो लाइव इस वीडियो में हम आपको दिखा दिए हैं, तो हो सकता है आप कभी प्लेन से यात्रा करने वाले हैं या फिर यात्रा करने के लिए अपना मन बना रहे हैं, तो इस तरीके से जब आप प्लेन के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप अपने आप को इसी तरीके से सीट बेल्ट का इस्तेमाल करके प्लेन के अंदर आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे।